हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है, आपको यहाँ नीचे एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिर्फ उसे प्रेस करना है। तो चलिए मैं प्रेस करके बता देता हूँ, ये हो गया है और इससे ही आपका चैनल हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम हरियाणा का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा के इतिहास से। ठीक है, तो ऊपर एक हेडिंग डालेंगे हरियाणा। ठीक है, अगर हम शुरुआत करें हरियाणा की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के कितने नाम थे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हरियाणा के कितने नाम थे। अगर हम बात करें हरियाणा के नामों की, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है बहुधान्यक। अब इसको बहुधान्यक क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसल पैदा होती थी, ज़्यादा फसल पैदा होने की वजह से। इसी वजह से हरियाणा को पहले क्या कहा जाता था, बहुधान्यक। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर हम बात करें हरियाणा के, तो हरियाणा को श्रीकंठ प्रदेश, एक एक चीज पॉइंट को बनाते चलना, श्री कंठ प्रदेश या फिर श्री, कई किताबों में आपको मिलेगा श्री कंठ जनपद। ठीक है, इन नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब ये इसको अगर हम बात करें और डिटेल में, तो श्रीकंठ प्रदेश या श्री वो कंठ जनपद, ये कौन से क्षेत्र को कहा जाता था, कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया था, यहाँ पे नोट डालेंगे, जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया, ठीक है, कुरुक्षेत्र वाले एरिए को बोलते थे पहले, क्या बोलते थे, श्री कंठ प्रदेश। ठीक है, यानी कि हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है बहुत ही मेन क्षेत्र है वो, और इसी वजह से हरियाणा को श्रीकंठ प्रदेश ही बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे कुरुक्षेत्र भी था। अगर हम दूसरे तरीके से बोलते कि कुरुक्षेत्र वाले एरिया को क्या बोलते थे, तो उसका आंसर भी आएगा श्रीकंठ प्रदेश, और हरियाणा को भी क्या बोलते थे, श्रीकंठ प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें वेदों की, तो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है वो है रज हरियाणे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वेद में हरियाणा का नाम है रज हरियाणे। ठीक है, और अगर हम बात करें महापुराण की, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हम बात कर देते हैं महापुराण की, ठीक है, तो महापुराण में हरियाणा का नाम है हरियाणव। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो जो हम पॉइंट लिखवा रहे हैं उनको अपनी कॉपी में कृपया सभी नोट डाउन करते रहना। ठीक है, अगर हम हरियाणा के निर्माण की बात करें कि हरियाणा का निर्माण कब और कैसे हुआ, तो एक्चुअल में हरियाणा का निर्माण जेसी शाह कमेटी की सिफारिश पर बना था। हेडिंग बनाएंगे हरियाणा का निर्माण। ठीक है, किसकी वजह से बना था, ये पहले पंजाब में ही था तो बाद में अलग हुआ, जेसी शाह कमेटी। ठीक है, जेसी शाह कमेटी की सिफारिश पर अलग से बनाया गया, जेसी शाह कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया, और ये ध्यान से समझना, ये था हमारा 17वां। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना, 17वां था ये भारत का राज्य, भारत का जो राज्य बना, तो उसमें इसकी इसका जो नंबर था हरियाणा का वो था 17वां। ठीक है, अब ये कौन से संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग बना था, 18वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो था इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके तहत ये बना था। अब एक और पॉइंट, किससे अलग ऊपर बना था, ये आपका पंजाब से अलग होकर बना, और ये जब पंजाब से अलग होकर बना, तो जो किस आधार पर बना था, ये एक्चुअल में भाषा के आधार पे अलग किया गया था, और कब किया गया था, 1 नवंबर
1966 को जो हरियाणा है ये बना, ठीक है। नॉर्मल सा 1 नवंबर को हम मनाते हैं हरियाणा दिवस। और अगर हम बात करें हरियाणा के क्षेत्रफल की, ठीक है, एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साथ में कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठें, होगा आपने साथ के साथ लिख लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1 नवंबर 1966 को क्या बना, हरियाणा बना। अब हरियाणा का क्षेत्रफल जो है, तो बात कर लेते हैं हरियाणा के क्षेत्रफल की। तो जो हरियाणा का क्षेत्रफल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, अगर आपके पेपर में आ जाए तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। और ये भाषा के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। ये भी आप अपना पॉइंट बना सकते हैं कि किस आधार पर किया गया था ये अलग। तो ये किया गया था भाषा के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस आधार पर अलग किया गया था। और ये जो है ये आपके एचसीएस लेवल के लिए इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय पंजाब का, ठीक है, अब कितना क्षेत्र मिला था पंजाब का, उस समय पंजाब का 35% अप्रोक्स है, 35% जो अप्रोक्स है ये क्षेत्रफल हरियाणा को मिला। मतलब हरियाणा का जो पंजाब का जो 35% जो क्षेत्र था वो हरियाणा को मिला, और तभी हरियाणा का निर्माण हुआ। ठीक है, क्षेत्रफल आप लिख सकते हो हरियाणा को मिला। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट है, अगर हम और डिटेल में जाना चाहें तो जब हरियाणा का निर्माण हुआ तो एरिया वाइज अगर सभी राज्यों से उस वक्त कंपेयर करें तो एरिया वाइज हरियाणा, एरिया वाइज जो हरियाणा का क्षेत्रफल है, हरियाणा के एरिया वाइज अगर हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, हरियाणा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का, अब भारत से कंपेयर कर रहे हैं, भारत का 21वां राज्य है अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो, 21वां राज्य है। ठीक है, और हरियाणा की जो जनसंख्या है ये हमारे पेपर में आई हुई है, ये आप अपना बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसको ज़रूर लिखें, हरियाणा की जनसंख्या। ठीक है, हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, 2,53,51,462, 2,53,51,462 ये है हरियाणा की जनसंख्या। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में और डिटेल में जाएं हरियाणा की जनसंख्या के बारे में, तो फिलहाल 18वें स्थान पर भारत में हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा है किसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर हरियाणा का कौन सा स्थान है पूरे भारत में, 18वां। ठीक है, अब कई किताबों में क्या लिख रखा है, 17वां स्थान है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको 18 मिल जाए तो सबसे ज्यादा आप प्रेफर 18 करोगे, लेकिन अगर आपको 18 उसमें ऑप्शन में ना मिले तब आप कहाँ पे जाएंगे, 17 पे जाएंगे, लेकिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मानेंगे, 18 को। ठीक है, मतलब हरियाणा जनसंख्या के आधार पर बात करें भारत से कंपेयर करके तो 18वें स्थान पर है पूरे सभी राज्यों में। ठीक है, अब जैसे किताब में 17 है तो एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं है, एक्चुअल में अगर आपको प्रेफर करना तो 18 करेंगे, लेकिन अगर 18 ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको मार्क कर देंगे, 17 को। ठीक है, अब कई जगह किताबों में क्या मिलता है ये भी हम लिख सकते हैं कि जो हरियाणा है इसका एक और नाम बना हुआ है, कैसे, हरि का आना। ठीक है, भगवान
श्री हरि कृष्ण का आना और इस नाम से कई आपको मिल जाएगा कि हरियाणा का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें हरियाणा के जिलों के बारे में, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे, तो जो हरियाणा है, हरियाणा के जो जिले हैं टोटल, हरियाणा के टोटल 22 जिले हैं और इन 22 जिलों में जो अभी अभी आखिरी जिला बना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 22 जिलों में जो भी आखिरी जिला बना है वो बना है चरखी दादरी। चरखी दादरी, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे बड़े जिले हरियाणा के, सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, किस आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, ये आपके विविध डाटा है जो आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है आपका सिरसा। और कितनी है यहाँ पे, 4,277 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये क्षेत्रफल के आधार पे हम अगर देखें सबसे बड़े जिले, तो नंबर वन पे आ जाता है आपका सिरसा, ठीक है। अच्छा, अगर हम जनसंख्या के आधार पे डिस्कस करें सबसे बड़ा कौन सा है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में है, तो जनसंख्या के आधार पर हमारा जो जिला है वो है फरीदाबाद, ठीक है। और फरीदाबाद की कितनी है, 18,09,733, ठीक है। एकदम ऑथेंटिक डाटा है, मतलब आप है ना पूरा पूर्ण विश्वास रखें जो मैं आपको डाटा देने लग रहा हूँ, ठीक है। जनसंख्या के आधार पे फरीदाबाद है, हम ऐसे मान सकते हैं फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जैसे अपना जो ये मिनी मुखर्जी, मतलब ये बोल सकते हैं मिनी मुखर्जी नगर है। जैसे अगर आपने UPSC की पढ़ाई की हो तो आप मुखर्जी नगर का तमाम जानते हो। मुखर्जी नगर में क्या है, क्षेत्र तो बहुत छोटा है लेकिन लोग जो वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो इसी प्रकार फरीदाबाद में है तो ये छोटा सा लेकिन यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और जनसंख्या के आधार पर ये सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम छोटे जिलों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटे जिले तो हेडिंग बनाए गए यहीं पे, सबसे छोटे जिले हरियाणा के। तो अगर हम सबसे छोटे जिलों की बात करें तो पहला पॉइंट बनाएंगे क्षेत्रफल के आधार पर, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सबसे छोटा जो जिला है वो है फरीदाबाद, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 743 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र, ठीक है। और अगर आपको मिल जाए, मान लो ऑप्शन में फरीदाबाद ना मिले तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, फिर आप नंबर दो पे देंगे आप प्रायोरिटी पंचकुला को, ठीक है। अब पंचकुला का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 898 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में से आपको जो मिल जाए उस पर आप टिक कर देना, ठीक है। सबसे छोटे जिले की बात कर रहे हैं हम, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहले आएगा फरीदाबाद, दूसरे नंबर पे आएगा पंचकुला, ठीक है। अच्छा, सबसे छोटे जिले कौन से हैं जनसंख्या के आधार पर, दोनों तरीके से हम देख लेते हैं जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे छोटे जिले आएगा, सबसे पहला आएगा चरखी दादरी, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा चरखी दादरी। अच्छा, इसकी कितनी है फिर सबसे कम जनसंख्या, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 502,276, ठीक है। एकदम ऑथेंटिक है, मतलब आंख मूंद के आप विश्वास कर सकते हो। बाय द वे, आपको ये ऑप्शन में ना मिले, ठीक है, चरखी दादरी, तो आप दूसरा पैराग्राफ किसको करेंगे, सेकंड अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप ऑप्शन चरखी दादरी ना भी मिले, ठीक है, तो आप प्रेफर करोगे पंचकुला की जनसंख्या को, ठीक है। तो इसके बाद चरखी दादरी के बाद आती है पंचकुला की जनसंख्या, 567,712 यानी 712, ठीक है, 567,712, ठीक है। अब अगर हम ये तो मतलब वो विविध डाटा हो गया जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
अगर हम बात करें हरियाणा की कुल जनसंख्या की, तो ये भी आप अपना एक पॉइंट बनाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा की कुल जनसंख्या। तो अगर हम बात करें हरियाणा की कुल जनसंख्या की, तो ये है 2,53,51,462, ठीक है, 2,53,51,462। और इसमें अगर हम पूरे इंडिया से कंपेयर करें इस हरियाणा की पॉपुलेशन को, तो याद रखना 2.09% है, 2.09% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब भारत की पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की पॉपुलेशन के कंपेरिजन में, 2.09, ठीक है, अगर ये आपको और डिटेल में पूछ ले, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करिए, हमें इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हरियाणा की जनसंख्या को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे समझते हैं कि हरियाणा की जनसंख्या जो हमने लिखी 2 करोड़, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जनसंख्या किसकी, हरियाणा की, ठीक है, जो अभी हमने लिखी 2,53,51,462। अब इसमें और डिटेल में जाने वाले हैं, इसके अंदर दो टाइप से हैं, एक तो हमारी आएगी शहरी, ठीक है, और एक आएगी हमारी ग्रामीण जनसंख्या। जो हमारी शहरी जनसंख्या है वो टोटल का कितना परसेंट है, यानी इसमें से 34.88% है, जो शहरी है वो 34.88% है, ठीक है, और जो ग्रामीण है वो है 65.12% है, ठीक है, जो ये टोटल है, इसका अगर हम अलग अलग डिवाइड करें तो ये शहरी और ग्रामीण हो गई, ठीक है, और जो बीच में जो आ गए वो शहर और ग्रामीण दोनों में रहने वाले टाइप से हो गए। अगर हम इसमें और डिटेल में जाएं तो जो मेल और फीमेल आ गई, ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम इस जनसंख्या में देखें तो मेल और फीमेल कितने हैं, तो इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं हम मेल और फीमेल में, ठीक है, तो जो मेल है वो आपके 1,34,94,734, ठीक है, 1,34,94,734, ये तो हो गए आपके कितने मेल, ठीक है, और यहाँ पे अलग लेते हैं, यहाँ पे हम मेल कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फीमेल, ठीक है, वो एक्सचेंज लिख दिया हमने डाटा, तो यहाँ पे फीमेल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपकी है 1,18,56,728, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेल और फीमेल में भी फीमेल इतने हैं और हमारे मेल इतने हैं, ठीक है, और शहरी जनसंख्या है 34.88 और जो ग्रामीण है वो है 65.12। ये आपके एसएस लेवल में पूछा जा सकता है, नॉर्मली अगर आप डी ग्रुप का या नॉर्मल पेपर देंगे तो उसमें ये इतना डीपली नहीं आएगा, तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हरियाणा के धर्म के बारे में बात करेंगे कि हरियाणा की पॉपुलेशन के अंदर धर्म कितनी उसमें बटा हुआ है, ठीक है, कितने परसेंट है, कौन सी धर्म के कितने लोग हैं, ठीक है, तो एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम धर्म की बात करें, पॉपुलेशन को धर्म में देखते हैं, ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे रिलीजन परसेंटेज, रिलीजन परसेंटेज इन हरियाणा पॉपुलेशन, हरियाणा की पॉपुलेशन में कितने परसेंट कितने रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना हिंदू धर्म आ जाता है, ठीक है, हिंदू धर्म में कितने परसेंट है, 87.9%, ऑथेंटिक डाटा है, जरूर नोट करें। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा मुस्लिम, ठीक है, और जो मुस्लिम धर्म में है वो कितने परसेंट है, वो है 7.03%, ठीक है, इसके बाद मुस्लिम के बाद आ जाता है सिख, और जो सिख धर्म है इसमें कितने हैं, 4.91%, ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जैन धर्म, तो जो जैन है इसमें आते हैं 0.21%, ठीक है, अच्छा, और अगर हम और डिटेल में जाएं तो जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन की जो वैल्यू है वो है 0.20%, और अगर हम बात करें बौद्ध की, ठीक है,
तो बोध जो है वो है 0.03%, ये एकदम ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अगर हम जनसंख्या को बांटे धर्म के आधार पर, तो धर्म के आधार पर कितने प्रतिशत हिंदू हैं, कितने प्रतिशत मुसलमान हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या को बहुत डीपली पढ़ रहे हैं हम, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, ठीक है, चाहे आप एचएससी लेवल का एग्जाम दें। तो आगे बढ़ते हैं, अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें पूरे हरियाणा की, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, जनसंख्या घनत्व। तो हरियाणा का टोटल जनसंख्या घनत्व है 573% व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 573% मतलब प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, ठीक है। और हरियाणा की जो साक्षरता दर है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मेरे पास डाटा है वो एकदम ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। तो ये डाटा आप जरूर नोट करें, जो साक्षरता दर है, क्योंकि किताबों में बहुत से डाटा गलत दिए हुए हैं, जो मेरे पास वो एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है। तो साक्षरता दर जो है हरियाणा की अगर हम बात करें तो वो है 75.04%, ठीक है। और अगर आपको और डिटेल में जानना है साक्षरता दर में, जो पुरुष साक्षरता दर है ये भी आपको लिख लो, अगर हम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष साक्षरता दर है वो है 85.06%, ठीक है, जो पुरुष हैं। अच्छा, अगर पुरुष की बात है तो महिला साक्षरता दर कितनी है, अगर हम महिला साक्षरता दर हरियाणा की बात करें तो वह टोटल 66.94%, ठीक है। ये होगी हमारी महिला साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू मतलब हरियाणा, ठीक है। और अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, ठीक है। एक एक पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ऑथेंटिक है हम वही बात करते हैं, ठीक है, फालतू की ड्रामेबाजी हम नहीं करते, जो काम की बात है सीधी उसी की हम बात करेंगे। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है अपना गुरुग्राम, ठीक है। और जो गुरुग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साक्षरता दर मतलब अगर गुरुग्राम की बात करें तो ये कितनी है, 84.69%, ठीक है। ये हो गई हमारी किसकी, गुरुग्राम की अकॉर्डिंग टू मतलब 84.69% एडुकेटेड हैं, बाकी अपना जो बच गए वो अनएडुकेटेड हैं। और अगर हम बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाला, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो वो कौन सा है, वो है मेवात, ठीक है, जिसको हम नू भी बोलते हैं, ठीक है, नू बोल लो, मेवात बोल लो। अच्छा, पेपर में आया इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था सत्यमेवपुरम, सत्यमेवपुरम मेवात का पुराना नाम था, ठीक है। और अगर और भी डिटेल में क्वेश्चन आ जाए तो ये कब कैसे क्या कुछ बना, तो आंसर होगा 4 अप्रैल 2005 को ये जो था हरियाणा का 20वां जिला बना था, हरियाणा का जो 20वां जिला है वो बना था मेवात यानी नूह, ठीक है। अच्छा, पुराना नाम क्या था, सत्यमेवपुरम, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये पुराना नाम है, ठीक है, एक बार आप इसका नोट डाउन कीजिए। अच्छा, और भी अगर आपसे पूछ ले कि आपसे 21वां नहीं पूछे, 20वां नहीं पूछे, मतलब ये बोल दे 22वां पूछ ले, तो 22वें का भी हमें पता है, 22वां चरखी दादरी है, लिख लेना ये पॉइंट भी, क्योंकि एक कोई भी ऐसा पॉइंट हमें लीव नहीं करना है जो एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लो 21वां पूछ लिया, 21वां जिला कौन सा है, तो 21वां जिला कौन सा है, पलवल, ठीक है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों, कब बना था, ये बना था 15 अगस्त 2008 को, 15 अगस्त 2008 को बना। अच्छा, 22वां कौन सा बना, 22वां अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे, चरखी दादरी, ठीक है, चरखी दादरी बना आपका 22वां जिला। और ये कई किताबों में गलत इन्फॉर्मेशन है कि उसका 16 नवंबर को मतलब बनकर तैयार हो गया था, एक्चुअल में जो 16 नवंबर, ठीक है,
16 नवंबर 2016 को घोषणा हुई थी, ठीक है। अच्छा, ऑथेंटिसिटी मतलब उसमें अगर हम बात करें, जो ऑफिशियल बात करें, तो 16 नवंबर को तो चरखी दादरी का अपना घोषणा हुई थी, काम शुरू किया था इसने 1 दिसंबर 2016 से, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो 16 नवंबर को घोषणा हुई थी 2016 को, 1 दिसंबर 2016 को इसने ऑफिशियली काम करना शुरू कर दिया था। तो किताबों में कई जगह गलतियाँ हुआ है, उसको कृपया अपना काट लें, और जो सही आंसर है वो यही है, 16 नवंबर को घोषणा हुई थी और 1 दिसंबर से ऑफिशियली वहाँ पे काम शुरू हुआ था, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम जनसंख्या के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वापस उसी जनसंख्या वाले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, होप आपने लिख लिया होगा, तो समझते हैं अब आगे, ठीक है। तो हरियाणा की अगर जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा का लिंग अनुपात भी आता है, तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेंगे, हरियाणा का लिंग अनुपात, ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। तो हरियाणा की अगर हम बात कर रहे हैं सेक्स रेशियो कितना है, तो ये है 873 फीमेल पर 173 फीमेल पर 1000 मेल हैं, ठीक है। और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स है, और ये कब हुआ था, 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग है। और अगर हम 2016 का रफ एस्टिमेट लगाएं, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रफ एस्टिमेट, तो वो क्या है, 914 फीमेल पर, ये एग्जाम में आया हुआ है, 914 फीमेल पर 1000 मेल हैं, ये कब का एस्टिमेट है, 2016 को, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में, अगर हम बात करें अब की, ठीक है, यानी अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो क्या चल रही है, वो चल रही है 923 फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। एक एक चीज ऑथेंटिसिटी के साथ है, और ये अकॉर्डिंग टू अभी जो टिल नाउ है, अभी की जो लेटेस्ट है वो ये है 993 फीमेल पे 1000 मेल हैं, ठीक है। अब आ जाए सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, तो वो है मेवाड़ में, मेवाड़ में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, क्योंकि थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है तो वहाँ पे ज्यादा है, मेवाड़ में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। अब ये कितना है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये है 907 फीमेल है, पूरे हरियाणा के अगर अलग अलग हम उसके जिले की बात करें, तो उसमें सबसे ज्यादा मेवाड़ का है, 907 फीमेल पे 1000 मेल है, ठीक है। और ये एस्टिमेट किसके अकॉर्डिंग है, ये आपका 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सबसे कम लिंग अनुपात, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है, तो जो सबसे कम लिंग अनुपात है ये है सोनीपत और गुरुग्राम का, ठीक है, सोनीपत और गुरुग्राम का, जो सोनीपत का लिंग अनुपात है उस पे है 854 फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। एक्चुअल में जो ऑप्शन में था उसमें सोनीपत नहीं दिया हुआ था, उसमें दिया था गुरुग्राम, ठीक है। तो एक्चुअल में सोनीपत और गुरुग्राम का जो टोटल अगर हम लगाएं, तो ये एक्चुअल में दोनों का बराबर ही है, अप्रोक्स 854 फीमेल पर कितना है, 1000 मेल, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या था, उसमें सोनीपत नहीं दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था गुरुग्राम, तो हमने गुरुग्राम पे टिक कर दिया। लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो सोनीपत और गुरुग्राम में से, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी सोनीपत को देंगे, ठीक है। सबसे लिंग अनुपात कहाँ का है, सोनीपत का है, ठीक है। अब हरियाणा की एक दो बातें जो हैं वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं, हम साथ ही साथ वो क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, होप आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम बात करें हरियाणा के विविध की, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं ये भी अपना नोट्स में नोट डाउन कर लेना, जैसे कौन सा खेल है हरियाणा का, ये सब चीज़ें, तो हरियाणा का जो विविध है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है राजकीय खेल कौन सा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा
राजकीय खेल कौन सा है? सभी को पता है अपना राजकीय खेल कौन सा है, ये कुश्ती, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेसलिंग। अच्छा दूसरी चीज, अगर हरियाणा का पूछ लिया जाए, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? ध्यान से समझना, हरियाणा का, इस समय मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ पे नोट बनाएंगे, हरियाणा का राजकीय पशु तो वो कौन सा है? वो है काला हिरण, ठीक है, काला हिरण। अब बच्चों को तो ये तो याद कर लिया काला काला हिरण है, लेकिन पेपर में काला हिरण ना लिख करके उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया ब्लैक बक, ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो एक्चुअल में काले हिरण को ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक बक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा राजकीय पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पक्षी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है वो है काला तीतर, ठीक है, काला तीतर, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, क्योंकि अभी इंग्लिश में पूछ ले क्या बताओ, तो इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक फ्रैंकलिन, काले तीतर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्रैंकलिन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष है पीपल, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है ये कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो वो है पीपल, ठीक है। एक और चीज जो कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है वो क्या है? हरियाणा का राजकीय फूल, मतलब हरियाणा का कौन सा फूल है, राजकीय फूल है वो कौन सा है, तो ये भी आया हुआ एग्जाम में। और ये कौन सा है? कमल का फूल, ठीक है, कमल का फूल, यानी कि इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? लोटस, ठीक है। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विविध में, हरियाणा के कवि, ठीक है, हरियाणा के जो फेमस कवि हैं वो हैं उदय भानुहंस, राज्य कवि लिख सकते हो, हरियाणा के राज्य कवि, ठीक है, उनका नाम है उदय भानु हंस, ठीक है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिखेंगे। हरियाणा के राज्य कवि कौन है? उदय भानुहंस। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये हैं हिसार से, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है ये, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो एक नंबर में, मतलब आपके 100% गारंटी है, पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा का गांधी, ठीक है, मैं आगे चल के डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, हरियाणा का गांधी क्यों कहते हैं, ठीक है। अभी आपको विविध में क्या लिखना है? हरियाणा का गांधी हम किसे बोलते हैं, ठीक है, और गांधी के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे आने वाले टाइम पे। तो हरियाणा का गांधी हम बोलते हैं बाबू मूलचंद जैन को, बाबू मूलचंद जैन को हम हरियाणा का गांधी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में आ जाए कहाँ से हैं ये, तो ये हैं आपके सोनीपत जिले से, ठीक है, ये हैं सोनीपत से। अच्छा हरियाणा का लोह पुरुष, ये तो बिल्कुल आसान है, कई बार एग्जाम में आया है, आपने पता भी होगा, हरियाणा का लोह पुरुष, तो हरियाणा का जो लोह पुरुष है वो कौन है? वो है चौधरी बंसीलाल। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में, बंसीलाल के बारे में पूरा हमने डिस्कशन किया था कि चौधरी बंसीलाल कौन है, कहाँ से हैं, ये भिवानी के गोलागढ़ गांव से हैं, भिवानी में गोलागढ़ गांव है, तो गोलागढ़ गांव से हरियाणा के लोह पुरुष कौन है? चौधरी बंसीलाल, ठीक है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है हरियाणा केसरी, ठीक है, हरियाणा केसरी कौन है? तो हरियाणा केसरी हम किसको बोलते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा को, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का हरिकेन किसे बोला जाता है?
तो हरियाणा का हरिकेन या हरियाणा का हरिकेन एक्चुअल में क्या होता है, एक तूफान का नाम है, ठीक है। हरियाणा का तूफान कौन है सभी को पता है, ये अपने क्रिकेटर कपिल देव, ठीक है। बात हम युजवेंद्र चहल की भी करेंगे जो कि जींद से हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। आने वाले टाइम पे जब हम जींद को डिस्कस करेंगे, जिले को, तो उसमें हम युजवेंद्र चहल की बात करेंगे। लेकिन हरियाणा का जो तूफान है वो कौन है, अपने कपिल देव जी हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है कि हरियाणा की गोल्डन गर्ल कौन है, हरियाणा की गोल्डन गर्ल, तो जो हरियाणा की गोल्डन गर्ल है उनका नाम है ममता खरब। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा जो हरियाणा की तैयारी करने वाले हैं, ममता खरब हैं और ये रोहतक से हैं, ठीक है। और रोहतक और ये जो कौन से उसके खिलाड़ी हैं, ये हैं हॉकी खिलाड़ी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, हॉकी खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा एक और है, हरियाणा का ट्रेजडी किंग किसे कहा जाता है, हरियाणा का ट्रेजडी किंग, तो जो हरियाणा का ट्रेजडी किंग है वो कहा जाता है बीरेंद्र सिंह को, ठीक है। बीरेंद्र सिंह को आगे चल के मैं बताऊंगा क्यों कहा जाता है, बीरेंद्र सिंह को कहा जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जींद के डूमरखां गांव से हैं, जींद में है एक डूमरखां गांव, तो डूमरखां गांव से ये बिलोंग करते हैं, जिनको वीरेंद्र सिंह, जिनको हरियाणा की ट्रेजरी किंग भी, हरियाणा का ट्रेजरी किंग भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उनको ले लेते हैं, जो नए स्टूडेंट होंगे उनका भी साथ के साथ रिविजन हो जाएगा, तो एक बार इसको उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज़ों का और बाद के लिए बहुत काम आएंगे याद करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था तो थोड़ा सा उन बच्चों का रिवाइज हो जाएगा, ये विविध में आते हैं सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, तो नोट बनाएंगे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री। तो जो हमने प्रीवियस में बात किया था, तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो हैं भजन लाल, ठीक है। और ये कब मतलब कितने टाइम रहे हैं, अप्रोक्स 12.5 साल, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं रहे हैं। अगर कॉन्टिन्यूटी में आ जाए तो कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो कि 10 साल तक रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल, तो ये कौन है, बीरेंद्र सिंह चक्रवर्ती, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीरेंद्र सिंह चक्रवर्ती, बीरेंद्र सिंह चक्रवर्ती। और कितने साल रहे हैं, ये रहे हैं आपके 10 साल तक, ठीक है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये भी। अच्छा जो हमारा ये भी क्वेश्चन बनता है राज्यपाल की बात कर रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट राज्यपाल है वो कौन था, क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था, तो इसका नाम था धर्मवीर, ठीक है। तो धर्मवीर उनका नाम था हरियाणा के पहले राज्यपाल, ठीक है। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष, हरियाणा सभी को पता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन सी है, ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे हम विविध में डिस्कस कर रहे हैं, उनका नाम है शन्नो देवी, ठीक है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कितने समय में कौन से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्वेश्चन तो उल्टा भी आ सकता है, कम समय में कौन रहे हैं, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनाना है, एक और पॉइंट लिखेंगे, हरियाणा में सबसे कम समय के सीएम, हरियाणा में सबसे कम समय के सीएम कौन से रहे हैं, ये रहे थे मात्र 5 दिन खातर, ठीक है, केवल 5 दिन तक रहे थे ये, और इनका नाम क्या है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश
चौटाला। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर हम हरियाणा इसके सीएम की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर पॉइंट बना रहा हूँ, सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं हरियाणा के, कितने दिन रहे हैं, मात्र ये भी 5 दिन तक रहे थे, और इनका नाम था ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओम प्रकाश वर्मा, इसको भी एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हरियाणा के विविध में आते हैं, जो कि आपको पता ही होना चाहिए एचसीएस के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ये जो है हरियाणा हाईकोर्ट में भी क्वेश्चन आ जाता है और आया हुआ है ये, तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट क्वेश्चन बनाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। अब क्वेश्चन क्या बना था, मतलब आया था कि किसने डिजाइन किया है, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट किसके द्वारा डिजाइन किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो ये था ली कार्बूसिन, इसका नाम लिखेंगे ली कार्बूसिन, ठीक है। इसके द्वारा डिजाइन किया गया था ये पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें ये जो हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया था, उसमें अगर आ जाए जजों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो जजों की संख्या 48, ठीक है, यानी 48 जजों की संख्या है किसमें, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में। अब कई बच्चों ने क्या किया, ऑप्शन में दे रखा था 38, ठीक है, और बच्चे करके आ गए 38, लेकिन एक्चुअल में हरियाणा में कितने हैं, 48 है। अगर आपको 38 जानना है कहाँ थे, तो दिल्ली में है, दिल्ली में 38 हैं जजों की संख्या, ठीक है। तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो उसमें तो 48 आंसर है, अगर दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 38 जजों की संख्या है, ठीक है। और यहीं से हम अगर जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो वोटिंग की तो बात आएगी ही, तो हरियाणा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये करंट हो गया आपका, मतलब आ भी सकता है, ये करंट अफेयर है। हरियाणा में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल, ठीक है, कहाँ पे हुआ। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि वीवीपैट है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। वीवीपैट की फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। और ये कहाँ पहली बार इस्तेमाल किया गया, ये इस्तेमाल किया गया था जींद विधानसभा उपचुनाव में, जींद विधानसभा उपचुनाव में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था, कब, 2019 में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो जींद में उन्होंने जैसे वोट डाला हो साइड में, एक वो डब्बा सा उसमें एक पर्ची निकली होगी साइड में, ठीक है, जिसमें जिसके जिसको भी आपने वोट डाला तो उसकी एक पर्ची निकलती है साइड में, वही आपकी कहलाती है वीवीपैट, ठीक है। अच्छा, यहीं से अगर हम बात कर रहे हैं तो वीवीपैट की हरियाणा में जो इसकी बात कर रहे हैं चुनावों की, तो यहीं से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका करंट का कि पहला वोटिंग सेल्फी पॉइंट कहाँ बनाया गया, पहला वोटिंग सेल्फी पॉइंट कहाँ बनाया गया, तो ये भी बनाया गया है जींद के अंदर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है ये। अच्छा, यहीं से एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये करंट में आ सकता है आपका, अभी करंट ही है ये, ठीक है। पहला वोटिंग सेल्फी पॉइंट जींद में बना है, तो आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है वो बनता है पहली वोटिंग डिजिटल स्क्रीन कहाँ पे लगाई गई, पहली वोटिंग डिजिटल स्क्रीन कहाँ लगाई गई, तो ये लगाई गई है कुरुक्षेत्र में,
वोटिंग की बात आती है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा पहला वोटर पार्क, इस पे तो दो स्टार मार्क कर ले, ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला वोटर पार्क कहाँ पे बनाया गया? हरियाणा में पहला वोटर पार्क बनाया गया है गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम का जो पुराना नाम था वो क्या था? गुड़गांव था, ठीक है। जैसे हम गुरुग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे, जो पहली बार बने हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा पहला जीएसटी हेल्प डेस्क कहाँ बनाया गया था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट के लिए। पहला जीएसटी हेल्प डेस्क कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था फतेहाबाद में, ये करंट में आएगा आपके, ठीक है। ये आपको लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर एक नंबर में आपके हो जाए तो आप इसको गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको एक बार नोट डाउन कर लो तो हरियाणा की जियोग्राफी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हरियाणा की जियोग्राफी क्या है, ठीक है। एक बार आप इसको ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम हरियाणा की जियोग्राफी की बात करें, ठीक है, तो ये अपना हरियाणा का मैप है। और अगर हम बात करें इधर साइड, तो इधर साइड आपकी जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। आगे चल के बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के इस मैप को, अभी के लिए रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं। इधर साइड आपका उत्तर हो गया, नीचे हो गया दक्षिण, ठीक है। इधर हो गया आपका पूर्व और इधर हो गया पश्चिम, ठीक है। ये आपका हरियाणा का मैप है। और जो नीचे साइड है आपका, इधर साइड आपकी अरावली की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, ठीक है। ऊपर साइड क्या है आपका? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और नीचे साइड आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अगर आप ग्लोब के अंदर देखोगे तो, ठीक है। और जो हरियाणा का विस्तार है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बना सकते हैं इसको रब करके। अगर हम बात करें हरियाणा के विस्तार की, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनाना आपको, हरियाणा का विस्तार एक मैप जरूर आप ले लें, जिससे आप हरियाणा के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे हरियाणा के भूगोल को, ठीक है। ये क्या है? 27 डिग्री और 37 मिनट से 27 डिग्री 37 मिनट से आपका 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर, 55 मिनट उत्तर या उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये कौन सा है आपका जो 27 डिग्री 37 है? ये आपका नीचे से 27 डिग्री 37 मिनट यहाँ से लेकर के ऊपर तक, ठीक है। यहाँ तक अपना क्या हो गया? आपका हो गया 30 डिग्री और 55 मिनट, ठीक है। ये आपका उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, उत्तरी अक्षांश तक ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। और अगर हम उधर से बात करें तो इधर से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक, तो इसका भी आप बना सकते हो 74 डिग्री और 28 मिनट। ये कितना है? 74 डिग्री और 28 मिनट से यहाँ तक 77 डिग्री और 36 मिनट तक पूर्व अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। यानी ये पूर्व अक्षांश तक ये हरियाणा फैला हुआ है। ये आप जरूर नोट डाउन रखें, आप लिख सकते हो कि 27 डिग्री, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 27 डिग्री 37 मिनट दक्षिणी से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री, ये हो गया 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक पूर्व अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो पुराने समय में
हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा था, ठीक है, ये वाला इधर वाला जो हिस्सा था हरियाणा का, जो दक्षिणी हिस्सा था ये समुद्र से घिरा हुआ था, ठीक है, ये जो हिस्सा था समुद्र से घिरा हुआ था, ठीक है। ये हम हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंदर, जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाने वाला हूँ आपके लिए जो एससीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका आप स्नैप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा कि पुराने समय में हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ था। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि ये बात कौन सी पुस्तक में लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे नोट बनाएंगे कि जो हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा था, हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा समुद्र से घिरा था। अब क्वेश्चन बनता है कि ये जो बात है कि दक्षिण हिस्सा समुद्र से गिरा था ये किसने कही, ठीक है, ये कही जियोग्राफी के विद्वान ने, और उनका नाम था, जियोग्राफी के विद्वान थे और उनका नाम था एम एल भार्गव ने ये बात कही, ठीक है। अब ये उनके अनुसार है कि जो हरियाणा का दक्षिण हिस्सा था वो कहाँ था, वो मतलब समुद्र से गिरा हुआ था। अब जो इन्होंने पुस्तक लिखी उसने ये बात कही तो पेपर में आ सकता है कि एम एल भार्गव ने ये बात किसके अंदर कही, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का क्या नाम था ये भी नोट डाउन कर लो। पुस्तक का नाम जो एम एल भार्गव ने लिखी, एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है एचसीएस के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो दक्षिणी हिस्सा है ये एम एल भार्गव ने कहा है और एक पुस्तक है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, इसके अंदर क्या है, ये जो है इस किताब के जो वो हैं रचयिता है, ठीक है, इस किताब के रचयिता है। एक्चुअल में ये जो बात है दक्षिणी हिस्सा समुद्र से गिरा था ये तो बात जियोग्राफी के विद्वान ने बोल दी, ठीक है, लेकिन एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा इस पुस्तक के जो रचयिता है, ठीक है, वो एक्चुअल में कौन है, डॉक्टर जसबीर थे। ये थोड़ा सा गड़बड़ है तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉक्टर जसबीर थे, ठीक है। अब डॉक्टर जसबीर के अनुसार, जियोग्राफी के विद्वान के अनुसार तो दक्षिण हिस्सा समुद्र से मिला था, अच्छा एक पुस्तक है एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, उनके रचयिता डॉक्टर जसबीर थे और डॉक्टर जसबीर की किताब के अनुसार क्या है, उन्होंने कहा जो हरियाणा वो आठ हिस्सों में बटा हुआ था, आठ हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है। एक दो पॉइंट जो इंटरप्रिटेशन हो गई थी कि जो एम एल भार्गव है इनके अनुसार क्या है, दक्षिणी हिस्सा समुद्र से गिरा था, ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट। अच्छा दूसरा, एक किताब है कौन सी, उस किताब का नाम है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, और एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा इनको लिखने वाले कौन थे, इनको लिखने वाले थे मतलब रचयिता जो थे वे थे डॉक्टर जसबीर, ठीक है। तो डॉक्टर जसबीर के अनुसार, अब देखो समझना, डॉक्टर जसबीर के अनुसार क्या था, हरियाणा आठ भागों में बटा हुआ था, ठीक है। अब ये आठ भागों में बटा हुआ था, ये जो भौगोलिक था मतलब आठ भागों में बटा हुआ था, क्वेश्चन और डीपली पढ़ते हैं, जब ये आठ भागों में बटा हुआ था तो कौन से काल में बटा हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये बटा हुआ था मेसोजोइक काल में, ठीक है,
मेसोजोइक काल में एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा के रचयिता डॉक्टर जसवीर, उन्होंने कहा 8 भागों में बटा हुआ था हरियाणा, और कौन से काल में 8 भागों में बटा हुआ था? मेसोजोइक काल में, ठीक है, उस टाइम ये 8 भागों में बटा हुआ था। और एक और चीज हम यहाँ पे याद करेंगे, मेसोजोइक काल में ही, ठीक है, सबसे ज्यादा ये काल था मेसोजोइक काल में ही सबसे ज्यादा हरियाणा में भौगोलिक परिवर्तन हुआ, भौगोलिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, हरियाणा का उतार चढ़ाव हुआ। अगर आपको पेपर में आ जाए कि दक्षिणी हिस्सा समुद्र से गिरा है, किसके अनुसार है, वो एमएल भार्गव के अनुसार है। डॉक्टर जसवीर, उन्होंने कौन सी पुस्तक के मतलब रचयिता हैं, एंड एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, उनके अनुसार हरियाणा कितने भाग में बटा हुआ था? 8 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। किसमें सबसे ज्यादा, कौन से काल में हरियाणा में सबसे ज्यादा भौगोलिक परिवर्तन हुआ, वो कौन सा था? मेसोजोइक काल में सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में पहाड़ियों की बात कर लें तो यहीं से क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, वो था धरती की सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन है धरती की सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी है। तो धरती की सबसे जो पुरानी पहाड़ियां हैं वो कौन सी? शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है, जो कि हरियाणा में भी है। शिवालिक की पहाड़ियां, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि धरती की सबसे पुरानी पहाड़ियां कौन सी हैं? शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है। अच्छा, ये कितने क्षेत्र में फैली हुई है हरियाणा के, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा के 1.67, हरियाणा के 1.67 क्षेत्र में, प्रतिशत क्षेत्र में ये फैली हुई है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, ये पहाड़ी हरियाणा के उत्तर में है। अगर हम बात करें, ये पहाड़ी यानी शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के उत्तर में स्थित है, हरियाणा के उत्तर में स्थित, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये अगर हम बात करें और डिटेल में, क्वेश्चन आ सकता है कि शिवालिक की पहाड़ियां ये जो हैं कितने डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई हैं, ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियां। अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, इनको याद करने की ट्रिक है, पहले तो मैं लिखवा देता हूँ ये कौन कौन से हैं। पहला तो आपका आता है पंचकूला, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या आता है आपका? अंबाला। और तीसरे नंबर पे आता है यमुनानगर, ठीक है। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। अच्छा, यहाँ से ट्रिक कैसे बनाएंगे? फोन पे, एक ऐप है ना फोन पे, तो फोन पे से क्या बनाएंगे? पी से बन गया पंचकूला, ए से बन गया अंबाला, और वाई से क्या बन गया? यमुनानगर। तो 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम शिवालिक की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हरियाणा में तो अरावली की पहाड़ियां भी हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अरावली की पहाड़ियों के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे अरावली की पहाड़ियां। तो अगर हम अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, हरियाणा के दक्षिण में स्थित हैं अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। और ये कितने डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है? ये फैली हुई है 8 डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के 8 डिस्ट्रिक्ट में
फैली हुई है, ठीक है, कौन? अरावली की पहाड़ियाँ। अगर आपसे पूछ ले कितने प्रतिशत भूभाग पे, तो 1.38% 1.38% एरिया में फैली हैं, ठीक है, कौन सी? अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। अच्छा, एक और यहीं से क्वेश्चन बनता है, वो क्या क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम में आया है, शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उस चोटी का नाम है करो चोटी, ठीक है, करो चोटी। ये कहाँ पे है? शिवालिक की पहाड़ियों में है, और हरियाणा की क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है। बात करेंगे हम डोसी की पहाड़ियों की भी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे देता हूँ। वो क्या कि पंचकुला की एक तहसील है मोरनी हिल्स, ये पॉइंट बनाएंगे, पंचकुला की तहसील है और उस तहसील का क्या नाम है? मोरनी हिल्स। यानी ये जो आपकी करो चोटी है, ये मोरनी पहाड़ियों में एक चोटी है, ठीक है, मोरनी हिल्स में क्या है, मोरनी की पहाड़ियों की चोटी है, और इसमें क्या नाम है इसका? करो चोटी है, ठीक है, ये करो चोटी हमेशा याद नाम रखेंगे। और ये हरियाणा की जो करो चोटी है सबसे ऊंची चोटी है, करो चोटी सबसे हरियाणा की ऊंची चोटी है, और इसकी हाइट है 1514 मीटर, ठीक है, हरियाणा की शिवालिक की पहाड़ियों में है, ठीक है, मोरनी हिल्स की, उसमें पंचकुला की तहसील है मोरनी हिल्स, वहाँ पे है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो हुई अरावली की पहाड़ियों के अंदर, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ जाए, ठीक है, दोस्ती की पहाड़ियों में भी आप हरियाणा में नाम सुना होगा, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, मैं हरियाणा ही नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मात्र और मात्र दक्षिण हरियाणा, ठीक है, हरियाणा भी तो उत्तर पश्चिम पूर्व, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बंटा हुआ है, तो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ये है डोसी की पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ियां, ठीक है, और यहां पे क्या मीटर है इसका? इसका है 652 मीटर, मात्र, अगर हम दक्षिण दक्षिण की बात करें, दक्षिण हरियाणा की बात करें, ठीक है। अच्छा, डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये स्थित हैं नारनौल के कुलताजपुर गांव में, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो, ये नारनौल के कुलताजपुर गांव में स्थित हैं डोसी की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन डोसी की पहाड़ियों में क्या था, इन पहाड़ियों में, दक्षिण हरियाणा की जो पहाड़ियां डोसी, इन पहाड़ियों में 54 ऋषि, ठीक है, 54 ऋषि कौन से ऋषि थे? ये वही ऋषि जो आपने पढ़ा ना, च्यवनप्राश बना हुआ है, ठीक है, तो ये 54 ऋषि थे, 54 ऋषि यहाँ पर तप किया करते थे, यहाँ पर तप किया करते थे, ठीक है। अब शिवालिक की पहाड़ियों में अगर हम आगे जाएं, तो शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों से 4 नदियां निकलती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से क्या निकलती है? 4 नदियां निकलती हैं,
अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन पहले आप ये लिख लो वो कौन कौन सी है, ठीक है। एक तो आपकी टांगरी, टांगरी नदी निकलती है वो मिलती है आपकी मारकंडा में, ठीक है, और मारकंडा फिर आगे जाके मिलती है सरस्वती में, ठीक है, और फिर आगे गगर में। सरस्वती लगभग लुप्त हो चुकी है, लेकिन ये जो है इसका सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसको ट्री से कैसे बनाएंगे, टी एम, एम से बनाएंगे मारकंडा, एस से बनाएंगे सरस्वती और जी से बनाएंगे गगर, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दो मूवी आई थी MSG की, ठीक है, वो जो राम रहीम वाली मूवी थी MSG, वो कितनी आई थी, वो दो आई थी, तो टू आई थी, मतलब टू से क्या बना लिया हमने टी, और MSG से बनाया मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी दो थी MSG की मूवी, तो क्या बनाएंगे, टी से बन गया टांगरी, एम से बन गया मारकंडा, एस से बन गया सरस्वती और जी से बन गया घग्गर, ठीक है। तो ये चार नदियां हैं जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब हरियाणा के अगर हम भूगोल की बात करें तो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं हरियाणा के भूगोल के बारे में, ठीक है, एक बार आप इसको लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं एक बार हरियाणा के बारे में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखना है हरियाणा के मैप के अंदर ही कि हरियाणा कितने जिलों से बाउंड्री शेयर करता है, क्या कुछ है। तो याद रखना हरियाणा के इधर साइड तो हो गया अपना पंजाब, ठीक है, ये तो हो गया आपका पंजाब स्टेट, ये हो गया आपका चंडीगढ़, ये हो गया इधर आपका पंचकूला, ठीक है। पंचकूला कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, यहाँ पे जनरली सबसे ज्यादा क्या है हेडक्वार्टर्स हैं, जो आपके हरियाणा के ऑफिशियल हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा कहाँ है, ये आपके पंचकूला में है, यानी चंडीगढ़ से पास, ठीक है। अच्छा इधर साइड हो गया अपना राजस्थान, ठीक है। अच्छा राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाता है हरियाणा, ठीक है, और ये कितनी लगाता है 1262 किलोमीटर, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के साथ कितने लगाता है 1262 किलोमीटर, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगाता है, राजस्थान के साथ हरियाणा लगाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इधर है अपना कौन सा, यमुनानगर, ठीक है, ये हो गया यमुनानगर। अब जो ये आपका यमुनानगर है ये देहरादून को टच करता है, ठीक है, ये क्या किसको टच करता है, यहाँ से आप नोट लिख सकते हो, कहाँ पे बनाए, हाँ यहाँ पे मैं नोट बना देता हूँ, यमुनानगर देहरादून की बाउंड्री को टच करता है, या देहरादून को टच करता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि यमुनानगर किसकी बाउंड्री को टच करता है, तो ये टच करता है देहरादून की बाउंड्री को, ठीक है। और अगर हम बात करें यमुना नदी एंटर कहाँ से करती है, यमुना से, मतलब यमुना नगर से एंट्री करती है, ठीक है, एंटर करती है यमुना नगर से, और यमुना नगर में यमुना नदी पर एक बांध है, ठीक है, और वो कौन सा बांध है, वो है ताजेवाला, ठीक है, ताजेवाला गांव में है। तो ये भी आप अपना एक नोट बना सकते हो कि यमुना नगर में यमुना नदी पर बांध है ताजे वाले गांव में, कहाँ पे है, यहाँ पे लिख सकते हैं ताजे वाला गांव में है, और नाम क्या है उसका, हथीनी कुंड बांध, हथीनी कुंड बांध है, जो कि कहाँ पे है, क्वेश्चन आ सकता है कि हथीनी कुंड बांध किस पे है, ये यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है।
और जो अगर हम बात करें ये एग्जिट कहाँ से करती है, तो पलवल के असनपुर गांव से यमुना नदी एग्जिट कर लेती है। ठीक है, ये यहाँ पे मान लो पलवल हो गया, इतनी जो बाउंड्री है ये यूपी से शेयर करती है। ठीक है, नेचुरल बाउंड्री है ये। और ये कहाँ से एग्जिट होती है, यहाँ पे एक नोट बना सकते हो आप कि पलवल के असनपुर गांव से, पलवल के असनपुर गांव से यमुना नदी एग्जिट लेती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कौन से गांव से एग्जिट लेती है, ये लेती है हसनपुर गांव से। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक दो चीज़ें और हैं, हरियाणा का जो जो है ये को कितने क्षेत्रों को लगता है। ठीक है, हरियाणा जो है कितने राज्यों से सीमा लगती है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्या है ये बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो हरियाणा है कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, तो आंसर क्या है, पांच राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, सबसे पहला तो कौन सा हो गया, पंजाब स्टेट। ठीक है, पंजाब के साथ लगती है। दूसरा ये हो गया राजस्थान। ठीक है, कहाँ है ये, हो गया राजस्थान। और अगर हम पूछें तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है हरियाणा की, तो वो भी लगती है राजस्थान के साथ, 1262 किलोमीटर। ठीक है, किसके साथ लगती है, 1262 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा जो है जो ये है, ये आपका देहरादून के साथ ही लगती है। ठीक है, जो आपका देहरादून हो गया इधर साइड है। ठीक है, जो देहरादून के साथ ही लगती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साथ भी हरियाणा की बाउंड्री लगती है। अच्छा, एक और चीज़, यूपी से 320 किलोमीटर की, ये जो अपना जो हो गया ना, ये यमुना का जो क्षेत्र हो गया, नेचुरल बाउंड्री है। ठीक है, यूपी से 320 किलोमीटर नेचुरल बाउंड्री बनाता है, यूपी और हरियाणा के बीच नेचुरल बाउंड्री बनती है, कितनी, 320 किलोमीटर की। ठीक है, जो कि ये यमुना नदी के ही वजह से बन जाती है। ठीक है, और अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि देहरादून से हरियाणा की सीमा कितने किलोमीटर तक लगती है, तो पॉइंट लिख सकते हैं, देहरादून के साथ 11 किलोमीटर तक लगती है। ठीक है, कितने किलोमीटर है, 11 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन हमारे यहीं से बन जाता है, बाकी हम उसको हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैप से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन सी क्या बाउंड्री लगती है। अगर हम बात करें हरियाणा की मुख्य नदी की बात करें, तो यमुना ही होगी, और यहीं पे यमुना के नाम से यमुना नगर भी पड़ा हुआ है। तो अगर कभी आ जाए आपके पेपर में कि जो मुख्य नदी है वो कौन सी होगी, वो यमुना नगर ही होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से। तो समझ लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को टच नहीं करती, तो वो है रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है, पॉइंट बनाएंगे क्या, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट एग्जाम में के लिए, रोहतक और चरखी दादरी, रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है, ये दोनों हैं, रोहतक और चरखी दादरी की सीमा किसी भी डिस्ट्रिक्ट या केंद्र शासित प्रदेश को, या केंद्र शासित प्रदेश को टच नहीं करती, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें जींद की। ठीक है, अगर ये तो नहीं टच करती, लेकिन जींद जो है, जिसको हम हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं, हार्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, जींद जो है 7 जिलों के साथ सीमा शेयर करता है,
जो जींद है जिला, ये सात जिलों के साथ सीमा शेयर करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाइट और परियाना बोलते हैं इसको, जींद को, ठीक है। अगर आपको मान लो जींद ना मिले ऑप्शन में, तो दूसरा आप यहीं पे लिख सकते हैं, सेकंड नंबर पर आता है आपका रोहतक, ठीक है। अगर रोहतक भी ऑप्शन में ना मिले तो ऑप्शन क्या लिखो, इसार। क्यों? क्योंकि रोहतक और इसार ये जो हैं, ये छह जिलों के साथ, दोनों के दोनों छह जिलों के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं। अगर आपको ऑप्शन में जींद मिल जाए तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर मान लो आपको जींद ऑप्शन में मिले ही ना, तो आप किसको कहेंगे, रोहतक को और हिसार को। मान लो रोहतक भी ना मिले तो आप, मतलब दोनों क्या है, रोहतक भी और हिसार भी, ये क्या है, छह जिलों के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। अब एक और यहीं से क्वेश्चन, मतलब पॉइंट बना लेते हैं। पंजाब के साथ हरियाणा के सात जिलों की सीमा लगती है, हरियाणा के सात जिलों की सीमा लगती है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है कि पंजाब के साथ हरियाणा कितने जिलों की सीमा लगती है, सात जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं ये, हैं आपके सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला। ठीक है, इनके साथ, मतलब जो पंजाब है उसके साथ सीमा लगाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों को लगती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दोबारा से मैं एक बार इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ लगती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पंजाब प्लस राजस्थान, ठीक है, दोनों के साथ जिसकी सीमा लगती है वो है सिरसा, ठीक है। जो सिरसा एकमात्र ऐसा जिला है जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, पंजाब और राजस्थान दोनों के साथ अपना उसका टच करता है, ठीक है। अब यहाँ से एक और पॉइंट बनाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सिस लेवल में आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़नी होगी। राजस्थान के साथ हरियाणा के सात जिलों की सीमा लगती है, हरियाणा के सात जिलों की सीमा लगती है। सात का आंकड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आसानी रहेगी याद करने में। अब तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो राजस्थान के साथ टच करते हैं बाउंड्री, पहला तो हो गया आपका सिरसा, फिर हो गया फतेहाबाद, इसार के बाद आ गया भिवानी, भिवानी के अलावा है महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के बाद है रेवाड़ी, और एक और बच गया मेवात, ठीक है। यानी राजस्थान के साथ हरियाणा के सात जिलों की सीमा लगती है, वो ये आपके साथ हो गए, ठीक है। अब एक तो और इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा कितने जिलों के साथ टच करती है, ठीक है। ये हो गई, इसमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के साथ लगती है सात जिलों की, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा के छह जिलों से टच करती है, हरियाणा के छह जिलों से टच करती है। छह जिलों से क्या करती है, टच करती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, हिमाचल के साथ,
कितनी शेयर करती है, तो ये भी लिख सकते हो। हिमाचल के साथ हरियाणा की, हरियाणा के तीन जिलों की सीमा लगती है, ये सीमा लगती है। ये आपको अपना याद होना चाहिए, जो कि नॉर्मल है, जो कि आ भी सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं जो हरियाणा बना था, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था हरियाणा का बना था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। और 1 नवंबर 1966 को जब ये बना था तो उस टाइम कितने क्षेत्र थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब हरियाणा बना तो उसको याद करने की ट्रिक है, ठीक है, कि कितने जिले थे उसको हम याद कैसे करेंगे। उस टाइम 7 जिले बने थे। सबसे पहले तो आपको ट्रिक से याद करवा देता हूँ कैसे हम याद करेंगे। माइकल जैक्सन का घर, ठीक है, माइकल जैक्सन का घर। अब ये ट्रिक हो गई माइकल जैक्सन का घर, और ये 7 जिले आ गए जब हरियाणा बना तो 1 नवंबर 1966 को। उस टाइम हरियाणा में कितने जिले थे, 7 जिले थे, ठीक है। अब एम से क्या बनेगा, एम से बनेगा आपका महेंद्रगढ़, एम से बन गया महेंद्रगढ़। जे से बन गया आपका जींद, हेड ऑफ हरियाणा। अच्छा, के से बन गया आपका करनाल। जी से बन गया आपका गुरुग्राम, ठीक है। एच से बन गया आपका हिसार। ए से हो गया अम्बाला, और आर से क्या हो गया, आर से हो गया रोहतक, ठीक है। और ये 7 जिले बने थे 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि 22 के 22 जो जिले हैं जो अभी या फिलहाल ये कब कब बने हैं, तो ये तो हो गए जब बना था 1 नवंबर 1966 को, ये तो हो गए 7 जिले। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कैसे याद करेंगे, अब हम याद करेंगे 1 नवंबर 1999 को, ठीक है। ट्रिक क्या है, KRYP, क्रिप। क्रिप से क्या याद करेंगे, ये बने थे 1 नवंबर 1989 को। कैसे हम क्या बनाएंगे, कैथल। कैसे बन गया कैथल। अब जो कैथल है ये किससे अलग होकर बना, करनाल और कुरुक्षेत्र से अलग होकर बना, करनाल कुरुक्षेत्र से अलग होकर बना, ठीक है। अब कुछ क्षेत्र तो इसने करनाल का लिया, और कुछ क्षेत्र इसने मतलब कुछ क्षेत्र इसने कुरुक्षेत्र का ले लिया था, ठीक है, कैथल को जब निर्माण हुआ। लेकिन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, करनाल को देनी है। अगर करनाल ऑप्शन में ना मिले तो आप किस पर टिक करोगे, कुरुक्षेत्र पर टिक करोगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ऑप्शन में किसको देनी है, करनाल को देनी है। अब ये कब बना, 1 नवंबर 1989 को। अच्छा, आर से आप क्या याद रखोगे, रेवाड़ी, ठीक है। अच्छा, रेवाड़ी जो था ये महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। रेवाड़ी जब बना ये बना महेंद्रगढ़ से अलग होकर, ठीक है। अब वाई से क्या बन गया आपका, वाई से बन गया आपका यमुना नगर। वाई से बन गया आपका यमुना नगर। ये किससे अलग होकर बना, ये बना अंबाला से अलग होकर, अम्बाला से अलग होकर यमुना नगर बना, ठीक है। अच्छा, पी से क्या बना आपका, पानीपत। पानीपत किससे अलग होकर बना, ये बना आपका करनाल से अलग होकर, करनाल से अलग होकर बना, ठीक है। तो ये कब बने थे, 1 नवंबर 1989 को ये बने थे, ठीक है। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक दो बातें जो पॉइंट हैं जो कि आपके HCS एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पानीपत की, पानीपत के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पानीपत जो है जिला,
ये दो बार बना है, ठीक है, दो बार, एक बार हटा दिया गया था लेकिन उसके बाद फिर से वो पानीपत को जिला बना दिया गया। तो ये दो बार जिला बना, ठीक है, कब बना ये 1991 और 92 के टाइम पे हटा दिया था एक बार और फिर बाद में फिर से इसको जिला बना दिया गया, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद आता है आपका, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जानते हैं, एक बार आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है, एक ट्रिक से याद रखेंगे हम, 22 का आंकड़ा, 22 का आंकड़ा, ठीक है। 22 के आंकड़े में हम क्या याद रखेंगे, 22 से बी और एस, ठीक है, 22, ठीक है, बी और एस से हम क्या बना लेंगे, 22, तो बी से बन गया आपका बी पानी, और एस से बन गया आपका सोनीपत, बस, ठीक है, बी एस से क्या बना लेंगे, भिवानी और सोनीपत, और याद रखें यहाँ पे 22 का आंकड़ा। अच्छा, दोनों का मतलब कब ये बनाए गए, ये बनाए गए 22 दिसंबर 1972 को, और सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को बनाया गया। अच्छा, सोनीपत को किससे अलग करके बनाया गया, सोनीपत को बनाया गया रोहतक से अलग करके, रोहतक से अलग किया गया सोनीपत को। और अगर हम भिवानी की बात करें तो भिवानी में कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर हम भिवानी की बात करें तो कुछ हिस्सा तो इसार का लिया गया था, ठीक है, और कुछ हिस्सा महेंद्रगढ़ का लगा था, ठीक है, और इन दोनों का हिस्सा ले करके भिवानी का मतलब अलग से कर दिया गया था 22 दिसंबर 1972 को। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो इसार का जो एरिया लिया गया था भिवानी को बनाने के लिए वो लिया गया था 95%, ठीक है, और महेंद्रगढ़ का हिस्सा जो एरिया लिया गया था वो लिया गया था 5%। यानी कि अगर आपको प्रायोरिटी में आ जाए कि कौन किससे अलग होकर बना, तो मोस्ट प्रोबेबल प्रायोरिटी आप देखो इसार के, ठीक है, और 5% जो महेंद्रगढ़ का हिस्सा लेके बनाया था, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसार को है, दूसरी प्रायोरिटी महेंद्रगढ़ को है, ठीक है, दोनों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के भिवानी का निर्माण किया गया था, ठीक है, और जो सोनीपत है ये रोहतक से अलग होकर बना था। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। ये 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट कैसे और कब बने थे ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपके लिए एक ट्रिक लिख रहा हूँ, वो ट्रिक क्या है, मेरा JRF, देखो एक पेपर होता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, तो ये आपका नेट जो होता है उसी में आता है, UGC जो कंडक्ट करवाता है। तो ट्रिक हम क्या है, मेरा JRF, ये पेपर होता है, JRF का पेपर सिर्फ याद करने की ट्रिक है, जिससे आपको याद हो जाएंगे इसार में, मेरा JRF का पेपर इसार में 15 जुलाई 1997 को हुआ, ठीक है, मान लो ये ट्रिक बना दी हमने, मेरा JRF का पेपर इसार में 15 जुलाई 1997 को हुआ, ठीक है। अब देखो कैसे ट्रिक बनाएंगे, जे से बना जज्जर, ठीक है, जे से क्या बन गया जज्जर, ये किससे अलग हो गया बना, ये बना आपका रोहतक से अलग होकर, जज्जर किससे बना, रोहतक से अलग होकर बना, जज्जर किससे अलग होकर बना, रोहतक से अलग होकर बना। अच्छा, जे और आर हो गया जज्जर, रोहतक से अलग हुआ। अच्छा, एफ से क्या बनेगा, एफ से बनेगा फतेहाबाद, और फतेहाबाद किससे अलग होकर बना, ये बना हिसार से अलग होकर, ठीक है, फतेहाबाद हिसार से काट कर बना रहे हैं, हिसार का जो हिस्सा कुछ काट करके फतेहाबाद का निर्माण किया गया, यानी हिसार से अलग किया गया फतेहाबाद को, ठीक है। और ये कब हुए थे, ये हुए थे 15 जुलाई 1997 को ये अलग हुए थे। कैसे याद करेंगे, मेरा JRF का पेपर इसार में 15 जुलाई 1997 को हुआ, JRF जज्जर रोहतक से अलग हुआ, फतेहाबाद इसार से अलग हुआ, कब हुआ, 15 जुलाई 1997 को अलग हुआ, ठीक है, फतेहाबाद इसार से, ठीक है, अलग होकर बना। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना,
अब हम और आगे चलते हैं, अब हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। ये हम याद करेंगे FPP से, F P और P, ठीक है। FPP आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। FPP से हम F से क्या बनाएंगे, फरीदाबाद, ठीक है, एक साथ इकट्ठे फरीदाबाद। उसके बाद P से बनाएंगे हम पंचकुला, फरीदाबाद हो गया, पंचकुला हो गया, और P से बन गया आपका पलवल, ठीक है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये, जो फरीदाबाद था ये हुआ आपका गुरुग्राम से अलग होकर बना था। फरीदाबाद किससे अलग होकर बना, गुरुग्राम से अलग होकर बनाया गया, गुरुग्राम से अलग होकर फरीदाबाद को बनाया गया। अच्छा, कब बनाया गया, जो तीनों है ना, तीनों फरीदाबाद, पंचकुला और पलवल, ये बनाए गए 15 अगस्त को, ठीक है। ये 15 अगस्त, ये तीनों 15 अगस्त को बनाए गए, बस डेट थोड़ी सी अलग है। ये 1979 में बनाया गया, ये 1995 में बनाया गया, और इसको बनाया गया 2008 में, पलवल को 2008 में बनाया गया, ठीक है। और जो आपका पंचकुला है, अगर हम बात करें पंचकुला की, तो इसको बनाया गया किससे अलग करके, इसको बनाया गया अम्बाला से अलग करके, अम्बाला से इसको अलग किया गया और तब इसका निर्माण किया गया, ठीक है। अब जो पलवल है इसको क्या किया गया, ये फरीदाबाद से अलग होकर बना था, ठीक है। पलवल जो बना था ये फरीदाबाद से अलग होकर बनाया गया था, फरीदाबाद से अलग होकर बना था, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कहाँ से अलग होकर बना था, ठीक है। जो 20वां जिला था वो गुरुग्राम से अलग होकर बना था। नेक्स्ट पॉइंट है 20वां जिला, ठीक है। और 20वां जिला हमारा कौन सा था, वो था मेवात, नू, ठीक है। 20वां जिला ये अलग हुआ था गुरुग्राम से, गुरुग्राम, गुड़गांव जो बोलते हैं पुराना नाम, गुरुग्राम से अलग होकर बना, ये बना गुरुग्राम से अलग होकर, ठीक है। मेवात का नू बोलते हैं, पुराना नाम क्या है, सत्यमेव पुरम है, ठीक है। अच्छा, 22वां जिला कौन सा बना था, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 22वां जिला, ठीक है। जो 22वां जिला था वो बना था चरखी दादरी, ठीक है। 22वां जिला था चरखी दादरी, और चरखी दादरी ये कब बना, ये घोषणा हो गई थी 16 नवंबर को, ठीक है, 16 नवंबर 2016 को। लेकिन ये बनकर जब हुआ तो वो ऑफिशियल बना 1 दिसंबर को, ठीक है, 2016 को ये बनकर रेडी हो गया ऑफिशियली, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो चरखी दादरी था ये किससे अलग होकर बना, ये भिवानी से अलग होकर बना, ये बना भिवानी से अलग होकर, ठीक है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ थोड़ी सी कुरुक्षेत्र के बारे में, ये एक दो पॉइंट रह गए हैं, इनको भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये बना था 23 जनवरी 1973 को, ठीक है। और ये किससे अलग होकर बना था, ये बना था करनाल से अलग होकर, ये आपका करनाल से अलग होकर बनाया गया था, ठीक है। एक और नेक्स्ट पॉइंट है सिरसा, सिरसा किससे अलग होकर बनाया गया था, ये 26 अगस्त को घोषणा हुई थी। देखो किताबों में है ना गलत इन्फॉर्मेशन है, जो मैं दे रहा हूँ ये ऑथेंटिक है। 26 अगस्त को घोषणा हुई थी सिरसा को बनाने की, और 26 अगस्त के बाद 1 सितंबर 1975 को ये अपना ऑफिशियली वर्क करने लग गया था, ठीक है। और ये सिरसा को हमने किससे अलग करके बनाया था, ये बनाया था हिसार से अलग होकर, हिसार से
अलग होकर सिरसा का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपका ये नॉर्मल बेसिक डाटा है जो आपको पता होना चाहिए हरियाणा के लिए। आप एचसीएस का एग्ज़ाम दो, किसी भी एग्ज़ाम की बात करो। अब हम हरियाणा की महाभारत की बात करेंगे। ठीक है, महाभारत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा में महाभारत की, तो महाभारत का जो पुराना नाम है वो है जय संहिता। पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कि यमुना नगर के आदि बद्री में, ध्यान से लिखेंगे, यमुना नगर के आदि बद्री में सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर किनारे बैठकर श्री भगवान ने, गणेश ने, श्री भगवान या श्री गणेश जी ने वेदव्यास के वाक्यों के अनुसार, वेदव्यास के वाक्यों के अनुसार, जो पॉइंट लिख रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेदव्यास के वाक्यों के अनुसार, ठीक है, वेदव्यास ने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने मोर पंख के साथ, ठीक है, मोर पंख के साथ इस जय संहिता को लिखा, यानी मोर पंख के साथ इस महाभारत की रचना की, भारत को लिखा। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम अगर इसकी महाभारत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी रामायण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो रामायण है इसके बारे में ये लिखी थी वाल्मीकि ने। ठीक है, वाल्मीकि ने क्या लिखी? रामायण लिखी। ठीक है, और कैथल के मुंदड़ी गांव में, कहाँ पे लिखी? कैथल के मुंदड़ी गांव में रामायण को लिखा गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लव कुश तीर्थ भी है कैथल के, कहाँ पे? मुंदड़ी गांव में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लव कुश तीर्थ भी है, लव कुश तीर्थ हो गए तो। अच्छा, दूसरा क्या है, यहीं पे वाल्मीकि आश्रम भी है, वाल्मीकि आश्रम भी है। ठीक है, और यहीं पर कैथल के मुंदड़ी गांव में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम महाभारत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, महाभारत कैसे क्या कुछ क्रिएट हुई, तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि महाभारत की शुरुआत कहाँ से होती है। एक्चुअली ये शुरुआत होती है राजा शांतनु से। ठीक है, राजा शांतनु की अगर हम बात करें तो राजा शांतनु के तीन पुत्र थे। पहला पुत्र था भीष्म पितामह, भीष्म पितामह जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि शादी ना करने की। इनका असली नाम क्या था? देवव्रत। ओरिजिनल नाम की बात करें तो भीष्म पिता का नाम देवव्रत था, और दूसरे जो पुत्र थे इनका नाम था चित्रांगड़। ठीक है, चित्रांगड़। और जो तीसरे पुत्र थे उनका नाम था विचित्रवीर्य, और विचित्रवीर्य की आगे दो संतान हुए। ठीक है, विचित्रवीर्य की दो संतान थी, पहली थी धृतराष्ट्र और दूसरे थे पांडु, धृतराष्ट्र और पांडु। अच्छा, धृतराष्ट्र का विवाह किससे हुआ? इनका विवाह हुआ गांधारी से। ठीक है, और गांधारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गांधार से आए थे, और गांधार का नरेश कौन था? शकुनी।
ठीक है, गांधार नरेश शकुनी था जो इसका भाई था गांधारी का, और धृतराष्ट्र की शादी हुई थी गांधारी से। अच्छा, पांडु की शादी हुई थी कुंती से। ठीक है, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम आगे बनाते हैं, इस ट्री को, गांधारी और कुंती। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, देखो समझना। ठीक है, अब हुआ क्या, जो गांधारी थी इनको श्राप था कि इनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। उधर जो कुंती थी, इनके पांच पुत्र हुए। ठीक है, पांच, और जो ये क्या कहलाए, पांडव। ठीक है, इनके अलावा इनका एक अलग से पुत्र था कुंती का विवाह से पहले, जिसका क्या नाम था, कर्ण। ठीक है, बहुत बलशाली योद्धा था, अर्जुन से भी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन इसको जो कर्ण है, इसको सूर्य पुत्र बोलते हैं, सूर्य पुत्र। ठीक है, अब कुंती ने क्या की, बहुत ज्यादा भगत थी सूर्य की, और एक बार इन्होंने मलर्ण की उपासना की सूर्य की, और सूर्य ने वरदान के रूप में इन्हें कर्ण को दे दिया था। चूंकि इनकी शादी तब तक हुई नहीं थी, तो इन्होंने इसको त्याग दिया था कर्ण को, और कर्ण को पालन पोषण किसने किया था, एक शूद्र ने किया था। ठीक है, तो कर्ण के बहुत सारे नाम है, सबसे पहले तो ये सूर्य पुत्र। ठीक है, दूसरा क्या नाम है इनका, जो कर्ण है, क्योंकि इनको एक शूद्र ने पाला था, तो इनको सूत पुत्र भी बोलते हैं, सूत पुत्र। क्यों, क्योंकि इनका पालन पोषण, कर्ण का पालन पोषण किसने किया था, शूद्र ने, एक शूद्र थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गांधारी। अब गांधारी को श्राप था, तो एक बार क्या हुआ, गांधारी ने एक बहुत ही बड़े मांस के टुकड़े को जन्म दिया, और फिर क्या हुआ, वेदव्यास को बुलाया गया। ठीक है, अब वेदव्यास जी ने क्या किया, उस मांस के टुकड़े के छोटे छोटे पीसेस किए, बराबर बराबर बराबर। ठीक है, उस टाइम इंची टेप तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने जितने बराबरी पे हो सके उनको काटने की कोशिश की, तो उन्होंने 100 टुकड़े काटे। 100 टुकड़े तो बराबर कटे, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। जो ये 100 टुकड़े थे, इन 100 टुकड़ों को क्या किया, उन्होंने मटके में रखा, और मटके में रखने के बाद क्या किया, इनको रख दिया। ठीक है, जो छोटा टुकड़ा था, ये आगे चल के क्या बना, ये लड़की बना, और ये जो 100 थे, ये अपना 100 पुत्र बने। ठीक है, अब ये आप ऐसे मान सकते हैं, ये उस जमाने के टेस्ट ट्यूब बेबी थे। ठीक है, तो ये आपकी हो गया पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, कि गांधारी जो थे, इनके इतने पुत्र थे, कुंती के अपना 5-6 पुत्र थे, जो क्या कहलाए, पांडव कहलाए थे। ठीक है, और जो इनका जो सौतेला भाई था पांडवों का, वो कौन था, वो कर्ण था। और कर्ण अगर नहीं मरता, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बता देता हूँ, अगर कर्ण नहीं मरता तो पांडव हार जाते। कर्ण सच में बहुत ज्यादा बलशाली होता था। ठीक है, और जो कर्ण है, कर्ण ने जो अपनी दक्षिणा ली थी, ठीक है, जो शिक्षा ली थी, वो गुरु परशुराम जी से ली थी, धोखे से ली थी। कर्ण के गुरु का नाम क्वेश्चन में आ सकता है, ये था परशुराम। ठीक है, और परशुराम जी जो थे, इनके साथ एक प्रॉब्लम थी, इन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मणों को इसी शिक्षा दे सकता हूँ। ठीक है, ब्राह्मणों को शिक्षा दे सकता हूँ। और कर्ण ने क्या किया, थे तो ये सूत पुत्र, लेकिन ओरिजिनल तो ये क्या थे, कर्ण क्षत्रिय थे। इन्होंने अपना झूठा बोल करके परशुराम से शिक्षा ग्रहण की कि नहीं, मैं भी क्या हूँ, मैं भी पंडित हूँ, तो मुझे भी क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन बाद में जब परशुराम जी को पता चला, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब अंतिम समय आएगा, यानी जब तुम्हारे अंतिम घड़ी आएगी, तो जितना भी तुमने मुझसे सीखा है, उन सब चीज़ों को तुम भूल जाओगे। और मृत्यु के टाइम पे कर्ण सभी चीज़ों को भूल गया था। ठीक है, तो ये कहानी है बहुत ही अच्छी। अब हम बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, अगर हम बात इसी की कर रहे हैं, महाभारत की, तो बात आ जाती है गीता के उपदेश की। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, गीता के उपदेश। अगर हम गीता के उपदेश की बात करें, तो जो गीता के उपदेश थे, छठे पर्व में दिए गए थे, छठे पर्व में दिए गए थे। ठीक है, जो महाभारत हुआ है, उसके जो छठे पर्व है, और छठे पर्व का क्या नाम है, उस छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। ठीक
ठीक है, और उस पर्व के अंदर क्या दिए गए हैं ये ऐसे ला सकते हो, पर्व मीन्स अध्याय टाइप से, ठीक है। अब गीता के उपदेश कहाँ पे दिए गए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थानेसर के ज्योतिर्लिंग में, थानेसर के ज्योतिर्लिंग में बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। और किसने दिए थे, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये जो महाभारत का युद्ध था ये कितने दिनों तक चला, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 18 का आंकड़ा याद रखना है कि 18 दिन तक जो था ये चला था, ठीक है। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल 18 पर्व हैं महाभारत के अंदर भी, ठीक है। 18 पर्व या अध्याय मान सकते हो, 18 पर्व हैं महाभारत में, 18 का अगर याद रखना है तो 18 पर्व महाभारत में है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बाण शैया ये कहाँ पे है, क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या है, जो बाण शैया है जिसपे कौन लेटे थे, भीष्म पितामह, ठीक है, बाण शैया कहाँ है। और एक और क्वेश्चन बनता है, जब बाण शैया पे लेटे थे भीष्म पितामह तो कितने दिन तक लेटे रहे थे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बाण शैया कहाँ है, ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन बाण गंगा कहाँ है, क्योंकि जब उन्हें प्यास लगी थी तो अर्जुन ने वहीं से पानी उनके लिए निकाल के दिया था, वहीं से बाण गंगा बनी थी, तो बाण गंगा या बाण शैया कहाँ है, कुरुक्षेत्र के नरकात्री गांव में, बाणशैया या बाण गंगा कहाँ है, कुरुक्षेत्र के नरकात्री गांव में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब भीष्म पितामह की अगर बात करें तो कितने दिन तक वो बाणशैया पर लेटे रहे थे, वो लेटे रहे थे 56 दिन तक बाणशैया पर लेटे रहे, ठीक है। वो वरदान प्राप्त था कि वो जब चाहेंगे तब अपना मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, तो 56 दिन तक बाणशैया पर लेटे रहे, कौन लेटे रहे, भीष्म पितामह, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, आगे हम हरियाणा की कृषि एवं पशुपालन के बारे में बात करेंगे, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हम काफ़ी डीपली पढ़ने लग रहे हैं, और अगर आपको ये समझ में आ रही है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम हरियाणा जीएस की नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आप हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, और कृपया इन सभी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों का लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।